करते हैं कैल्शियम की। इतनी सारी बातें हम सुनते हैं कि कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, तो वो क्यों जरूरी है? हमारे शरीर में कई सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है कैल्शियम। 99% ऑफ आर बोन्स एंड टीथ आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, और हमारे बोन्स टूटते और बनते रहते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी में कैल्शियम की हमेशा जरूरत रहती है। ब्लड क्लॉटिंग में भी कैल्शियम की बहुत जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कैल्शियम आपके ब्लड, मसल्स और टिश्यूज में भी पाया जाता है। एज के साथ हमारी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है। वेरियस लाइफ सिचुएशंस में भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कम और ज्यादा होती रहती है। हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि कैल्शियम हमारे स्किन सेल से और बॉडी वेस्ट के थ्रू भी बाहर जाता है। लेडीज को ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती रहती है, उनका कैल्शियम एब्सॉर्प्शन कम होता रहता है और उनका एस्ट्रोजन लेवल भी कम होता रहता है। 19 से 50 साल के लोगों को करीब करीब 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है। अगर आप 50 साल से ऊपर के हैं तो आपको 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत हो सकती है। इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेटिंग मदर हैं या ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो आपको करीब करीब 1300 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत पड़ सकती है। कैल्शियम सप्लीमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना ना भूलें। कैल्शियम कई सारे फूड्स में भी पाया जाता है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, ब्रोकली और कई सारे वेजिटेबल्स। कई लोग मोटापे के डर से डेयरी प्रोडक्ट्स खाना पसंद नहीं करते, पनीर डेयरी प्रोडक्ट से दूर ही रहते हैं। इसका एक बेहतरीन ऑप्शन है लो कैलोरी डेयरी प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि पनीर की कैलोरीज ज़्यादा है तो आप उसे टोफू से चेंज कर सकते हैं, इसमें कम कैलोरीज होते हैं। आपको आजकल मार्केट में आराम से लो फैट दूध वगैरह भी मिल जाएंगे, तो कैलोरीज के डर से डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करना कम ना करें। अगर आपको डेयरी फूड्स पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, कैल्शियम के और भी कई सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे कि फ्रूट्स। फ्रूट्स में आप कीवी फ्रूट ले सकते हैं, ऑरेंजेस ले सकते हैं, इनमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है। इसके अलावा आप नट्स भी ले सकते हैं, जैसे कि कैश्यूज, एप्रिकॉट और आमंड्स। इन फूड्स को अपने डाइट में इंक्लूड करना ना भूलें। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि सिर्फ बुजुर्ग महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस जैसी डिजीजेस होती हैं। ये सही नहीं है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो इन बीमारियों से आपका भी सामना हो सकता है। तो अपने कैल्शियम का इंटेक बरकरार रखें और लाइफ को एंजॉय करिए। For more videos, subscribe to our channel FitWit.